बस मुझे व्लॉग अपलोड करना है आप लोगों के लिए। आप लोग बताएं कि आपका ईद का दिन कैसा गुजरा। और ड्रेसेस रेडी हैं, ये मेरी सिस्टर ने मेरे लिए सिलवाया था, बड़ा ही प्यारा सा। बाकी अम्मी कहाँ पे हैं, बाकी फैमिली कहाँ पे, वो मैं आपको कल के व्लॉग पे बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब। आई होप ठीक ठाक होंगे, रिश्मिश होंगे, मजे में होंगे। ईद मुबारक जी आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा। ईद का पहला दिन आप लोगों को बहुत मुबारक हो। अच्छा मेहंदी इधर है और उसके हाथ में क्यों दिखा रही हूँ, चांद रात को दिखाई थी, अगर ब्लॉग नहीं देखा वो देख लीजिए। और ड्रेसेस रेडी हैं, ये मेरी सिस्टर ने मेरे लिए सिलवाया था, बड़ा ही प्यारा सा, लेकिन ये मैं पहनूंगी सेकेंड डे पे। और इसके अलावा एक कुर्ता मैं क्या पहनने वाली हूँ, पहन के दिखाती हूँ। इसके अलावा लाइक सुबह हो से बहुत काम थे, मेरी डोमेस्टिक हेल्प आई, फिर बाकी सारा मैंने घर साफ करवाया, फिर उसके बाद कुर्बानी हुई, अभी भी कुर्बानी के गोश्त कट रहा है, मुझे सारा पैकिंग करनी है, पहुंचाना है, उसके बाद मैं तैयार होंगी। अभी बस मैंने शावर ले लिया, आई थॉट कि मैं जल्दी से जो है ना मुझे बस जल्दी से मैंने कैप कर ली और मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूं एटलीस्ट कि आप लोगों को ईद मुबारक कैसे हो। ठीक है, फिर मैंने ज़रा बाहर का चक्कर लगाया ताकि कसाई भाई को ज़रा सा बता दूँ, इंस्ट्रक्शंस दे दूँ कि बोटी कैसी रखनी है, छोटी रखनी है, क्या करना है, बाकी सारे मामला देखे। और बस ये गोश्त नज़र आ रहा है, उसके बाद जनाब मैंने कहा कि कलेजी बना ली जाए, कलेजी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। कलेजी जब मेरे पास पहुँची तो इस हालत में थी, मैंने इसको अच्छे से वॉश करवाया, साफ़ करवाया, उसके बाद मैंने अपनी मेड को बोला, अपनी हेल्पर को बोला सॉरी, कि वो इसमें लाइक पानी डालकर और कुछ सिरका डालकर रख दें। उसने काफ़ी देर रखा, उसके बाद इसका कलर चेंज हो गया था, सॉफ्ट हो गई थी, मैंने इसको हाफ कर लिया क्योंकि ज़्यादा चाहिए नहीं थी। फिर मैंने क्यूब्स बना लिए, तवा गर्म किया, तवा जब गर्म हो गया, ये तवा कलेजी की रेसिपी है बाय द वे, उसमें कुकिंग ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल जब गर्म हुआ तो मैंने कलेजी आहिस्ता से उस पर डालना शुरू की और इसी तरह क्यूब्स डाले और उसको हल्का हल्का मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। नरम थी बहुत, लाइक अच्छे से बनी। उसके बाद मैंने इसमें बाकी मसाले डाले, वो नमक, मिर्च, सोया सॉस, उसके अलावा ऑरेगानो और दो चार चीज़ें और थी। इंशाल्लाह वो एक डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और इसकी हालत कुछ यूँ थी बाद में। फिर उसके बाद बारी आई जी गोश्त के हिस्से करने की, वो प्रॉपरली रखा, छोटे पैकेट्स बनाए, कुछ बड़े बनाए, कुछ फैमिलीज तक पहुँचाया और जहाँ जहाँ पहुँचाना था गोश्त मैंने फाइनली पहुँचा दिया। तीन बज चुके हैं और मैं अभी फ्री हुई हूँ गोश्त की तकसीम करके और सब चीज़ें, अभी मैं होने वाली हूँ रेडी, फिर आगे का दिन कैसा गुजरता है वो मैं बताती हूँ। जब जिम्मेदारी हूँ तो फिर ऐसा ही होता है। अच्छा जी, मैंने ड्रेस का वैसे बता दिया है इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ। और मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया था, ज्वेलरी मुझे हैवी पसंद नहीं है, और ये कुर्ता जो है ये अर्च का है, इसके अलावा जीन्स जो है और स्ट्रॉलर वो कॉगर का है। और यहाँ पे मैं आपको अपना पेंडेंट दिखा रही हूँ, गोल्ड पेंडेंट जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और मुझे बहुत पसंद था, और ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया, फाइनली मेरे तक पहुँच गया और मैंने पहन लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही थी इसको पहन के। जस्ट गुड फ्री, और अभी ये कि मुझे बाबा को पिक करना है, वो एक जगह पे है, फिर वहाँ से हमने जाना है दादों की तरफ और दिन वैसे गुजरेगा। कुछ गोश्त मैंने पास रखा है जो कि मुझे कुछ फैमिली तक पहुंचाना है, सो लेट्स गो। आप लोगों का दिन कैसा गुजरा ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, बाकी चल रहा है सिलसिला। चूंकि रात में बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं बड़े आराम से दादू की तरफ जा रही थी और दादू के घर पहुंचे हम यहाँ पे। उसके बाद खाना खाया, वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर सके क्योंकि फैमिली को टाइम देना था और मज़ा आया मुझे। यहाँ मैं बाबा के घर आई हुई हूँ। सो अभी बाबा लोगों के घर पे लाइक थर्ड फ्लोर पे हूँ, यहाँ पे अभी प्लाजा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सब ऐसे ही कुछ सीन चल रहा है। मौसम बेहतर है, खाना खाया अच्छा खासा। और बाकी अम्मी कहाँ पे हैं, बाकी फैमिली कहाँ पे, वो मैं आपको कल के ब्लॉग पे बताऊँगी। थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी अपने स्टूडियो, फिर करते हैं बातचीत। और मैंने तो वहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए हैं, लेकिन इन लोगों के पास ये वाले प्लांट्स हैं। बारिश कल हुई थी, इस वजह से पानी पानी हुआ है साथ। और अब ये टाइम है कि चांद निकलने को बेताब है, वैसे मौसम काफ़ी अच्छा है, बल्कि मैं दिखा देती हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और अभी भी कोई ना कोई काम हो ही रहा है। आई थिंक ये पानी कहाँ से आ रहा है, कोई लेबर फेंक दिया है। यार हेड्स ऑफ टू देम जो कि आज भी काम कर रहे हैं, लिटरली मजदूर तबका जितना भी है, और मेरी डोमेस्टिक हेल्प भी आई हुई थी। इसके अलावा राइडर्स काम कर रहे हैं, अभी भी मैंने जहाँ पे दो चार जगहों पे गोश्त भिजवाना था जहाँ मैं खुद नहीं जा सकती थी, वहाँ मैंने अपने राइडर्स के थ्रू भिजवाया है। और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करवाई है मैंने, कहीं पर मैं खुद गई हूँ, कहीं पर मेरी टीम गई है और कहीं पर मेरे राइडर्स गए हैं। और ये राइडर्स सभा निगत कलेक्शन के साथ भी, सभा कुजीन के साथ भी मुंसलिक हैं।
चलो यार अभी मुझे स्टूडियो जाना है, कुछ काम है, और घर जाके मुझे कुछ पैकिंग भी करनी है। पैकिंग किस लिए करनी है, क्या करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चूंकि इस्लामाबाद में मैं अगले 3 दिन नहीं होंगी, तो मेरे दोस्त का रोना खत्म नहीं हो रहा था कि हम ईद पे भी नहीं मिल रहे। सो मैं गई वहाँ पे, खाना खाया, थोड़ा सा चाय पी और सेल्फी थी, बातें की, और 10-15 मिनट बैठ के मैं वापस आ गई और अब मैं जा रही हूँ घर। ऑलराइट जी, मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अभी बस मुझे व्लॉग अपलोड करना है आप लोगों के लिए। आप लोग बताएं कि आपका ईद का दिन कैसा गुजरा, और जो आपने भी पिछला क्लिप देखा है, ये अचानक से प्लान में ऐड हुआ था सवेर, जिसका कल भी जिक्र हुआ था, वो उनके घर पे मैंने जाना था मीट देने के लिए, और फिर बस वहाँ पे गई, थोड़ी सी चाय पी, आंटी के हाथ की बिरयानी चखी, क्योंकि मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी थी दादू के घर पर, और बस फिर मैं निकली, वापस आई। अभी मुझे पैकिंग करनी है, व्लॉग एडिट करके अपलोड करना है, 2-4 और काम है प्रोजेक्ट्स के, वो करने हैं। इसके अलावा लाइक सुबह 6 बजे उठना है, बल्कि मैं सोऊंगी तो उठूंगी, काम काफ़ी करने वाले हैं 3 बजे तक, और उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि मैं आज रात भी सोऊंगी, और अभी शायद मैं इंस्टा पे लाइव कर लूँ, मे भी डिपेंड करता है इस व्लॉग को अपलोड करने के बाद। सो दैट्स इट, अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। कलेजी की रेसिपी मैंने थोड़ी थोड़ी शेयर की है, बाकी आप लोग देख लें याद। इंशाल्लाह कुकिंग विद सबा सिकंदर को भी हम एक्टिव करते हैं, आप लोगों ने अगर वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इसके अलावा बस मैं चेंज करने लगी हूँ, जाने वाली हूँ अपने पीजेस में। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, सो स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक मैसेज मुझे और देना था कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैंने स्टेटस पे अपडेट किया है कि अगर आपसे कोई नाराज़ है, कोई खफा है, चाहे कोई अपना है, पराया है, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी है, तो आज एटलीस्ट ईगो को ख़त्म करके, अपनी अना को ख़त्म करके कॉल कर लें, मैसेज कर लें, विश कर दें, कोई बात नहीं। पहल करने से कुछ, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो सकता, छोटा बड़ा नहीं हो जाता। फिर एज यू नो, मेरी पार्टनर जो है, बिजनेस पार्टनर निगत, मेरी आज उनसे भी बात हुई, सबसे बात हुई, मैंने बड़ी पॉजिटिव वाइब्स ली भी हैं और मैंने दी भी हैं। मेरे जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने लाइक यू नो बड़ा अच्छा मुझे विश भी किया। सो टेक केयर, बाय।